इस समय हमारे साथ चंद्रप्रकाश गंगा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के चंद्रप्रकाश गंगा जी। सबसे बड़ा सवाल यही है, आज छठा दिन है, जम्मू कठुआ हाईवे बंद है, गाड़ियां बंद है, टोल प्लाजा सेंटर यूनिवर्सिटी बंद है, इधर भी नहीं जा रही है। आपके घर के बिल्कुल साथ। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर टोल लगाना गलत था और मैं नितिन गडकरी जी को लिखित में भी दे आया हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरे साथ गए थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ नहीं लगेगा, लेकिन इसके टेंडर प्रोसेस हो चुके थे, उन्होंने ये विश्वास दिया है कि यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, ये टेम्परेरी है। लेकिन आज भी मैं आपको ये कह दूं कि लोकल को या इनको बहुत राहत है। एक तो 20 किलोमीटर तक यहाँ पर, सुनो मेरी बात, आपने कहा कि टेंडर पास हो गए थे, तो इसमें गलती किसकी मानी जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की या फिर सरकार की, कि जो टेंडर किसके नॉलेज में नहीं था? पहले सुनिए मेरी, केंद्र सरकार का नहीं रहता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को पूरा किया जाता है। जैसे हाईवे अथॉरिटी वो अपने लेवल पर करती है, उसको मिनिस्ट्री में नहीं भेजती है, क्योंकि आपको पता होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर 60 किलोमीटर के बाद टोल है। तो यहाँ पर टोल नहीं था, वही जलंधर के आगे एक जो टोल है उसके आगे कोई टोल नहीं था। तो इन्होंने जो नेचुरल वे से प्रोसेस किया था, और मैं आपको ये विश्वास से कहना चाहता हूँ कि यहाँ से टोल शिफ्ट होगा। लेकिन जम्मू के लोग अब ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो एक टोल प्लाजा और जम्मू में तीन। देखिए, जहाँ जहाँ रोड बनेगी हाईवे की, जी जहाँ जहाँ हाईवे बनेगा वहाँ वहाँ टोल लगेगी। लेकिन कश्मीर में भी तो हाईवे बन रहा है, तो वहाँ लगा हुआ है ना, एक ही है ना, लोग तो यही कह रहे हैं। और ये वाला तो अभी रोड बना बन रहा है ना, बाकी बन रहा है, अभी बना कहाँ है, नाशरी से लेकर आगे हाईवे कहाँ बना है, जहाँ बना है वहाँ लगा है। अच्छा चंद्रप्रकाश जी, हाल ही में अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जितने भी कश्मीरी लीडर्स डिटेंड हैं, कश्मीर की जनता जो है वो बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर ऐसा है चंद्रप्रकाश जी, चलिए जी, पार्टी का मसला है, इसको इसके ऊपर मेरा कोई बयान नहीं है। अविनाश जी, आपसे एक सवाल, आपने कहा कि जितने भी कश्मीरी लीडर्स डिटेंड हैं, कश्मीर की जनता उनके साथ नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा है, लेकिन वहां पर बाहर के ट्रेडर्स को हानि पहुंच रही है। मैंने सिंपल उसके लिए कहा है कि जो हताशा है उन आतंकवादियों की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह बनी हुई है, एक दो ऐसी किलिंग करके वो अपनी हताशा को जाहिर कर रहे हैं, और मैं आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा जनता को भी और सब जो लोग इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ निपटेगी और कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। क्या टूरिस्ट पर इससे कोई असर पड़ेगा? नहीं, आपने देखा हुआ कितने टूरिस्ट आए हैं, पहली बार जैसे मोबाइल खुला और कितने टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं, घूम रहे हैं वहाँ पर। टोल प्लाजा को लेकर क्या कहेंगे? वो ये स्टेट सब्जेक्ट, इनको बात करें। चलिए, तो अविनाश राय खन्ना और चंद्रप्रकाश गंगा दोनों से बातचीत हुई। चंद्रप्रकाश गंगा का कहना है कि टोल प्लाजा वहाँ से हट जाएगा, लेकिन अविनाश राय खन्ना, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, कोई जवाब नहीं दिया। अब देखना यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है कि ये केंद्र सरकार की मर्जी है, केंद्र सरकार कहती है कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मर्जी है, तो आखिर अगर टेंडर हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा, अगर टेंडर करवाए गए तो क्या केंद्र सरकार को मालूम नहीं था, या फिर केंद्र सरकार को मालूम था तो जम्मू के लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? आज छठा दिन है, जम्मू कठुआ हाईवे बंद है, गाड़ियाँ बंद है, लोग विरोध कर रहे हैं कि इस टोल प्लाजा को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में टोल प्लाजा सरोर हटता है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।